अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन स्टिक पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 600 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसे पतले पतले स्ट्रिप में कट कर लेंगे और कॉटन के कपड़े से अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो आप चिकन को मैरिनेट करेंगे तो एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ओरिगैनो, 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर यानी सोट का पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हर एक स्ट्रिप में अच्छे से मसाला लगना चाहिए। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और चिकन के 1-1 स्ट्रिप डालकर इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम स्लो रखेंगे। हमने चिकन के स्ट्रिप बहुत ही पतले रखे हैं तो ये जल्द ही गल जाएंगे। तो जब तक ये ब्राउन ना हो जाए इसे फ्राई होने देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। तब हम इसे टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड भी इसे फ्राई कर लेंगे। अब चिकन गल चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और बाकी के चिकन भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा ही तेल डालेंगे। तो अब मैंने 400 ग्राम मैदे का डो रेडी कर लिया है। मैंने डो का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आप चेक कर लीजिए और डो को रेडी कर लीजिए। डो पर थोड़ा सूखा आटा डालेंगे और इसके 2 पीस कर लेंगे। इन दोनों डो को अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। अब एक डो लेंगे और इस पर सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। पिज्जा बेस की जितनी थिकनेस रहती है उतना ही थिक हमें इसे बेलना है। ये मैंने बेल लिया है। अब बेकिंग ट्रे पर बटर लगाएंगे। अब बेस को बेकिंग ट्रे पर सेट कर लेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून शेजवान सॉस लिया है, अब इस पर लगाएंगे। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। शेजवान सॉस का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वहां चेक कर लीजिए। ये होममेड शेजवान सॉस है। अब इसके ऊपर चिकन स्टिक डालेंगे। बेस के ऊपर चिकन स्टिक को अच्छी तरह से फिल कर लेना है। इस पर आप चीज स्लाइस रखेंगे। अब इसे साइड में रखकर दूसरा डो भी बेल लेंगे। इसे भी हमें सेम साइज का बेलना है। इसे मैंने बेल लिया है। अब इसे उठाकर बेकिंग ट्रे पर रख लेंगे। इसे अच्छी तरह से सेट करेंगे। अब जो ऊपर का बेस है हम नीचे वाले बेस में फोल्ड कर लेंगे। हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब फोक से इस पर होल करेंगे ताकि बेस फूल ना जाए।
मैंने एक अंडे को फेंट लिया है, अब इस पर लगाएंगे। अंडा लगाने से बेस पर अच्छा कलर आता है, इसलिए आप इसे स्किप मत करिएगा, ज़रूर लगाइएगा। अब इस पर थोड़ा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। हम इसे अब ओवन में बेक कर लेंगे। तो मैंने ओवन को 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब इसे 200 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। इस रेसिपी में मैंने जितना चिकन लिया है, इसमें 2 चिकन स्टिक पाए बनेंगे। तो आप एक्स्ट्रा डो बना लीजिएगा, यानी डो के आटे की क्वांटिटी डबल कर लेंगे। तो ये देखिए, चिकन स्टिक पाए बेक हो चुका है। अंडा लगाने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। बेक होने के बाद आप चाहे तो इस पर बटर भी लगा सकते हैं, जिससे ये शाइन करेगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट पिज्जे से भी अच्छा लगता है। ये कैसा बना ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।